गर्मी से बचने के लिए ये ठंडक कहीं जान न ले जाए, दो मिनट का मजा कहीं जिंदगी भर की सजा न बन जाए। अभी कांगड़ा के अलग अलग हिस्सों में जहां अचानक से मौसम की करवट के बीच 40 से ज्यादा मुसाफिरों को रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल बाहर निकाला गया है और पोंग डैम झील में दो नवयुवकों की जान भी चली गई है। बावजूद इसके अभी भी कांगड़ा के नदी नालों में सैलानी अटखेलियां करते मौज मस्ती के साथ बेखौफ होकर नहाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन के दावों की भी पोल खुलते साफ नजर आ रही है। हालांकि हर नदी नाले के किनारे प्रशासन की तरफ से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से कांगड़ा देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालु भक्त पाण गंगा में इस कदर बेखौफ होकर नहाते नजर आए जैसे मानो उन्हें कोई खतरा ही नहीं है। वहीं जब इस बाबत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की गई, उन्होंने क्या कहा अब ये भी सुन लीजिए। देखिए, आपके माध्यम से सबसे अपील है कि अपनी जान की रक्षा, अपनी जान की रक्षा अपने हाथ में है और जगह जगह प्रशासन और पुलिस द्वारा इस तरह से बोर्ड भी लगाए गए हैं, लोगों को अवेयर भी किया जाता है समय समय पर। आजकल क्योंकि अब बरसात का सीज़न चल ही पड़ा है तो अचानक एकदम बारिश जब ऊपर इलाके में होती है तो नीचे पानी आ जाता है, जिस वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो पर्यटकों से यही एक दरख्वास्त है कि वो पानी में ना, पानी के पास ना जाएँ, पानी से दूर रहें। जी, समय समय जैसे मैंने आपको बताया कि हम पुलिस भी मौके पर जाती रहती है, लोगों को हटाया भी जाता है, अवेयर भी किया जाता है। तो अभी एक बार फिर से जो कल का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद हम ये एक फिर से हम लोगों को अवेयर करें। पंजाब केसरी के लिए कांगड़ा से राजीव जसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।